चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी है। तेलू की माँ बेचती थी, फिर तेलू बेचे, फिर तेलू का लड़का था सुदर्शन, सुदर्शन के बाद ये राजू बेच रहा है। सो हे गाइस, नमस्ते आदाब, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। 30 Day 30 ब्लॉग का आज है 24वां दिन, और आप सबको बता दूं कि मैं हूँ शुजावलपुर चौराहा। जी हाँ, ये शुजावलपुर चौराहा है, और चौराहे पे ही जस्ट बगल में जो है यहाँ पर दुकान है जो टेलू के समोसे के नाम से बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस है। तो चलिए, बहुत से लोगों का जो है कमेंट भी था कि शुजावलपुर चौराहे पे एक टेलू की दुकान है जो समोसा बेचते हैं, उनका जो ब्लॉग बनाया जाए। बहुत से लोगों का कमेंट था, तो चलिए मैं आ गया हूँ शुजावलपुर चौराहे पे, और यहाँ पर जो है टेलू चाचा की जो है दुकान है, ये जो है उनके पोते हैं। तो चलिए, मैं सारी जानकारी आप सबको इस ब्लॉग में दूंगा। इनका जो है समोसा जो है बहुत ही ज़्यादा पूरे गाजीपुर में फेमस है, और बहुत से लोग जो आते हैं यहाँ पर समोसा वगैरह खाते हैं। बहुत ज़्यादा हमेशा भीड़ लगी रहती है, कि आप देख सकते हैं सारे लोग जो हैं खड़े हैं समोसा खाने के लिए। तो चलिए, चलता हूँ अंदर, बात करता हूँ और सारी जानकारी जो है आप सबको देता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता हूँ। चलिए, सबसे पहले बात करता हूँ। तो ये हैं भाई जो यहाँ पर जो है समोसा वगैरह बेचते हैं। तो भाई, आपका नाम क्या है? राजू गुप्ता इनका नाम है। तो आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसमें गाजीपुर की जो फेमस चीज़ों को मैं दिखाता हूँ। तो फेमस की बात आई, और बहुत से लोग का कमेंट भी था कि शुजावलपुर चौराहे पे एक तेलू की दुकान है, समोसे की दुकान है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और आपका ब्लॉग बनाने आया हूँ। तो ये बताइए कि कितना साल हो गया? 80 से 90 साल हो गया, यानी कि तेलू चाचा जो है वो आपके क्या लगते थे? दादा तेलू चाचा जो है इनके दादा लगते थे, और उन्हीं के नाम से जो है ये दुकान है, और ये सेम समोसा जो है बहुत ज़्यादा उनके नाम से जो है फेमस है। तो मतलब इनके जो है दादा थे 80 साल पहले, उनकी ही ये दुकान है, उसके बाद इनके पिताजी ये दुकान किए, उसके बाद जो पिताजी के बाद जो है इनके जो है पोते हैं, टेरू चला के पोते हैं, और यहाँ पर जो है दुकान वगैरह करते हैं। और समोसा जो है पूरे गाजीपुर में ऐसा समोसा, मतलब छोटा छोटा समोसा जो है आप सब नहीं देखे होंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है देखिए भीड़ वगैरह लगी रहती है। तो क्या क्या रखते हैं आप समोसे के अलावा? और क्या चटपटी? चटपटी तो सारी चीज़ें है यहाँ पर मिलती है। ये देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं, सारे लोग जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, भीड़ वगैरह हमेशा लगी रहती है। तो चलिए, मैं भी समोसा यहाँ पर खाऊंगा और इसका टेस्ट आप सबको बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। बताइए राजू भाई, आप जो हैं कि आप कितने साल से यहाँ पर बेच रहे हैं? 14 साल। अच्छा, ये जो है भैया जो है वो 14 साल से यहाँ पर बेच रहे हैं। तो 14 साल पहले इसका रेट क्या था? 1 रुपये का 3 मिल रहा था 14 साल पहले, मुझे याद है, मैं छोटा था 14 साल पहले, तो आता था 1 रुपये का 3 समोसा जो है यहाँ पर मिल रहा। तो अभी क्या रेट उसका है? 10 का 7 समोसा अब मिल रहा है, और बोर की मतलब छोले में, छोले में बोर के 10 का 7 अब मिल रहा है। 14 साल पहले जो है 1 रुपये का 3 मिलता था। तो यही सब जानकारी है जो आप सबको देनी थी। और आप मतलब उस टाइम की बात आपको याद है थोड़ा बहुत, जो आपके पापा या दादा थे? तो दादा थे, तो उस समय 1 रुपये का, हम लोग जानते हैं 1 रुपये प्लेट समोसा बिकता था, 1 रुपये का 1 प्लेट मिलता था। उसका कितना था? 4 पीस समोसा, 4 पीस। तो यहाँ पर जो है एक भाई जो है यहाँ पर आए हैं समोसा खाने के लिए, जो इसी मोहल्ले के भाई। अपना नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंसूर आलम है। मंसूर आलम, इनका नाम है। समोसा खाते हैं, कैसा लगता है? बहुत ही टेस्टी समोसा है। जी जी, समोसा खाने के लिए जी समझ लीजिए कि मैं रोज आता हूँ। जी जी, रोज आता हूँ और इनकी 3-4 आइटम जरूर खाता हूँ। अच्छा, मतलब आप हमेशा खाते हैं? जी, हमेशा खाते हैं। और ये इनके जो टेलू जिनका नाम से दुकान है, जी जी, उनकी मम्मी, उनकी टेलू की माँ, जी जी जी, वो जब बेचती थी तब से मैं समोसा खाता हूँ। अच्छा। ये समझ लीजिए कि चौथा पीढ़ी है जो लड़का, जी जी जी, उनकी चौथा है। जी जी हाँ, चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी है। तेलू की माँ बेचती थी, फिर तेलू बेचे, फिर तेलू का लड़का था सुदर्शन, सुदर्शन के बाद ये राजू बेच रहा है। अच्छा, हाँ। यानी कि चौथी पीढ़ी यहाँ पर जो है समोसा वगैरह बेचती है। बहुत ही ज्यादा पूरे गाजीपुर में जो है लोग जानते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि मेरे घर भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो लोग जो है वो डिमांड करते हैं कि तेलू का समोसा खाएं। हमारे भी भाई बाहर रहते हैं, जी जी जी, जो लोग बाहर रहते हैं दिल्ली लखनऊ, तो वो जब आते हैं तो घर पे तो कहते हैं भाई समोसा टेलू का मंगाओ। बात है। उसके बाद वो समझ लीजिए मजा आ जाता है जी मेहमान नवाजी में। हाँ, तो देख लीजिए आप सब बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो मैं भी समोसा वगैरह खाऊंगा। देखिए दूर दूर से लोग आते हैं, देखिए बाइक पर ये भैया जो है वो बैठे हैं और समोसा खा रहे हैं, अपने बच्चों को जो है लेकर आए हैं, समोसा वगैरह खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती, मैं भी समोसा ट्राई करूंगा और इसका टेस्ट आप सबको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है एक और भाई आए हैं और समोसा वगैरह खा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? शाहिद। भैया का नाम शाहिद है। तो समोसा अगर आप सबसे खाते हैं? 2 साल हो गया, 2 साल से भैया आते हैं और यहाँ पे समोसा वगैरह खाते हैं। तो टेस्ट कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया भाई।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक और भाई आया, समोसा वगैरह खाए, अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं और समोसा वगैरह यहाँ पर खाने के लिए आए। तो भैया आपका नाम क्या है? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता इनका नाम है। तो समोसा खाते हैं, पहली बार खा रहे हैं कि बहुत बार खा? बचपन से। अच्छा, बचपन से आप खा रहे हैं। कैसा टेस्ट, कैसा लगता है? लाजवाब लाजवाब। समोसा के अलावा और क्या पसंद है? पापड़ छोला। पापड़ छोला, पापड़ भी इनको पसंद है, समोसा वगैरह। और ये जो है बचपन से खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी है। देखिए छोटी छोटी बच्ची जो कि गाड़ी पे जो है बैठी हुई है, पीछे ही बच्चे जो है इनके बैठे हुए हैं, समोसा वगैरह ये लोग आए हैं और खा रहे हैं। ठीक भैया, शुक्रिया। देखिए भीड़ जो है लगी हुई है यहाँ पर खाने वालों की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक और भैया जो है यहाँ पर आए हैं और समोसा जो है वो आप लिए हैं और खा रहे हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार, समोसा खा रहे हैं, पहली बार खा रहे हैं? बहुत बार खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जी जी जी, अच्छा लगता है, मतलब बहुत बार खा चुके हैं। टेस्ट कैसा है? अच्छा, जब इनके पापा थे या दादा थे आपको याद है? हाँ, इनके जब दादा थे तब से मैं खा रहा हूँ। अच्छा, इनके पापा थे तब से मैं खा रहा हूँ, ये है मैं खा रहा हूँ। अच्छा, हाँ अच्छा लगता है इनका। जी जी, चार ठीक है, शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं समोसे की साइज़ देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा समोसा है। और ये जो है पापड़ है, जो इसको छन के जो है पापड़, दही पापड़ वगैरह बनता है। ये देखिए पापड़ जो इसमें रखा हुआ है, ये देखिए समोसा छना के जो है वो रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारा आइटम जो है यहाँ पर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए समोसा, ये जो निकल गया मेरा, उस पर जो है दही पड़ गई। और ये है दालमोठ, दालमोठ वगैरह भी यहाँ पे पड़ता। और ये जो है इनका मसाला पड़ गया, और ये जो है हरी चटनी पड़ गई, ये चम्मच लग गया, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा समोसा जो है वो बंद करा गया, तो मैं इसका टेस्ट आप सबको बताता हूँ खाकर। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा समोसा है, बाकी मार्केट में आप सब जो है वो बड़ा बड़ा समोसा देखे होंगे, लेकिन ये पूरे गाजीपुर में ऐसा पहला समोसा है जो इतना छोटा समोसा है। चलिए इसको खाता हूँ और टेस्ट बताता हूँ। बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट अच्छा है, पूरे गाजीपुर में ऐसा समोसा जो है वो नहीं मिलता। अगर आप सब नहीं जानते तो एक बार शिवारपुर चौराहे पे यहाँ पे टेरू जिले का समोसा जो है 80 साल पुराना समोसा जो है एक बार ज़रूर आए खाएँ। और आप सबको टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको फिनिश करता हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये है शिवारपुर चौराहा, और जस्ट सामने जो है वो शुजापुर चौक है सामने, और जस्ट बगल में चौराहे के जस्ट बगल में ही इनकी जो है ये शॉप है। ये आप देख सकते हैं जो 80 साल पुरानी ये समोसे की शॉप है। तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें जो आप सबको बता दी, और जो समोसा जो है वो खा भी लिया, और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, पूछना ही नहीं है, 80 साल पुराना बहुत अच्छा टेस्ट है। 80 साल पुरानी ये दुकान है, और बहुत ज़्यादा जो है भीड़ वगैरह रहती है, और सारे लोगों से मैंने बात भी की, टेस्ट जो है बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए, आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा है, ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चाहे अपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूं। चलिए इंशाल्लाह फिर किसी नए ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय।